तो दोस्तों गुड इवनिंग, बात करते हैं कि इस वीक में क्या रहा और आने वाले वीक में मार्केट में क्या हो सकता है। डिस्क्लेमर, आप लोगों को पता ही है, हर रोज देखते हो वीडियो, ये मेरा पर्सनल व्यू होता है, इतना ही है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको एस्ट्रो स्टॉक्स अपडेट, इसको आपने जरूर ज्वाइन करना है अगर आप इसको देखते हो। देखो, ये आज भी बैंक निफ्टी की सुबह से ही कॉल दी थी, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा है, 410 से 680 गई है। पूरे दिन हम बाइंग साइड में थे, पुट नहीं खरीदा है हमने। देखो, ये निफ्टी की, बैंक निफ्टी की कॉल दी थी, ये बैंक निफ्टी की फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपने में भी दी थी, तो हम तो जल्दी निकाल के, फिर ये मैंने कि शायद बैंक निफ्टी ना चले तो निफ्टी की कॉल दी थी, उस पर भी 30-40% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, रिलायंस की दी थी कॉल नीचे 2370। जो रिलायंस में काम करते हैं या कर रहे हैं, 2370 ये बाइंग है। अगर इसके ऊपर होल्ड करती है तो आपने खरीद लेना है। आज 2400 पे बंद हुई है, हमने यहीं पे खरीदी थी ये कॉल। ये सपोर्ट है रिलायंस का, आप लोग पूछ रहे, दो चार ने मैसेज डाला है, 2370 इसके ऊपर ऊपर, इसके नीचे फिर थोड़ा और 100-150 डिप मिलेगा इसमें, वैसे ऊपर ही रहेगी, इसके नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, वहां पे एक बटन है, आप लोग पता नहीं है, बोलते ये क्या सब्सक्राइब करना है गुरु जी, वहां पर जहां वीडियो देखते हो वो सब्सक्राइब लिखा आता है, उसको आप क्लिक करोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी। देखो, आज 4 जुलाई थी, मैंने बोला था आप, 4 नहीं, आज 1 जुलाई थी, दोनों साइड मार्केट रहेगा लेकिन अप साइड ज्यादा रहेगा। बैंक निफ्टी देख लो या निफ्टी जो भी है, अब जिसको जो फायदा हुआ हो, वैसे मार्केट अपसाइड रहे। 4 तारीख को क्या हो सकता है मार्केट में, अपसाइड ही ज्यादा रहेगा मार्केट। ठीक है, अगर डाउन खुल गया या डाउन है कैसे ही, तो लेकिन जाएगा अपसाइड। अभी तो रेंज बनाई हुई है मार्केट ने, उसको कहीं तोड़ेगा तो जब जाके कहीं बात बने। 900 को तोड़ा है, 15920 के करीब, जब थोड़ा अच्छा मूव मिल सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये इस वीक के लिए भी मेरी सेम ही रेंज है। ठीक है, इस वीक के लिए सेम रेंज है, 16200 और नीचे 15400। आज 15500 आए थे हम लोग, और वहां से फिर बाइंग आई। देखो, जहां मार्केट में आपको पुट 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 दिखाई दे रही है, मेरे को पता है आजकल आप लोग कम देख रहे हो, क्योंकि मैं पॉजिटिव की तरफ हूं, आप ज्यादातर मेरी बात होती है, सोचने वाले आदमी सब नेगेटिव है। तो ये आप लोग खुद देख रहे हो मार्केट की स्ट्रेंथ। अगर अमेरिका ने हमारा साथ दिया होता, वो 1000-1500 बढ़ गया होता, तो हम आपको 16500 पे मिल लेते इस वीक में। देखो, हम वहीं पे खड़े हैं, आप वीकली भी आज क्लोजिंग देखो, 10-5 पॉइंट का अंतर है, पहली ज्यादा है शायद 10-15 पॉइंट, और ये कम होगी। 750 पे आज बंद हुए, वो शायद ये 15770 थी क्या, मेरे को एक्यूरेट ध्यान नहीं है, इस पे थी, हम आज 750 बंद हुए। तो मतलब वीक में हम वहीं पे, ना नीचे गए ना ऊपर गए, उसके हिसाब से, मतलब नीचे भी गिरे ऊपर आ गए, नीचे गिरते हैं ऊपर आ जाते हैं। अमेरिका आज भी 1500 पॉइंट से ज्यादा नीचे खड़ा है डाउ आपका, पिछले वीक के मुकाबले, और हम लोग वहीं खड़े हैं। तो कहने का मतलब आप बात समझ गए। तो आप लोग जो आदमी नई चैनल देखते हैं, मेरे को पता है, उनको ये है नेगेटिविटी कि मैं यहाँ पे डेली बोल दूं, भाई नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा, नीचे होगा। मार्केट में अभी बस थोड़े दिन, आगे आने वाला वीक भी ऐसा ही है करीब करीब, जैसा ये गुजरा है। ठीक है, अब अमेरिका के ऊपर है, अमेरिका इतना गिर गया है और थोड़ा बहुत गिर गया, और जिस दिन भी वो बाउंस लेगा मार्केट, हम लोग नए लेवल को काटेंगे फिर आराम से,
जैसे आज भी 750 अगर कहीं अमेरिका खुल जाता है, हम 500 ऊपर खुलते हैं, तो रेजिस्टेंस से फिर लौट के आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी रेंज बाउंड है, और ये रेंज तोड़ने के लिए पिछली साल 2022 में मार्केट को 2 महीने लगे थे। मैंने पहले भी बताया था, ये सेम रेंज को ब्रेकआउट जब लिया था तो 2 महीने यही घूमता रहा था इसी रेंज में। तो ये बड़ी भयंकर रेंज है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे खास कर क्या करो, पोजीशन लेके मन जाओ अभी, जब तक मार्केट ऊपर नहीं निकलता या नीचे, बीच में जहाँ दे पाएगी या आगे मार्केट हो सकता है। अब देखते हैं 2-4 दिन कहाँ तक बढ़ता है इस वीक में, फिर आगे थोड़ा डाउन है तो वो डाउन भी बताएंगे आपको, कोई डरने वाली बात नहीं। देखो 40-50% आप मेरे चैनल पे भी जुड़े हो, आपको हर रोज कम जाएगा, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते कि आप बात मानो और हमारी डायरेक्शन में बैठो, ठीक है। जैसे आज कम गया, ऐसे ही आपको हर रोज कमाओगे। लेकिन आपको करना क्या है कि घर से सोच के नहीं आना मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, घर से मत सोचो बिल्कुल भी। देखो मैंने बोला था बाई ऑन डिप्स है मार्केट, पूरे वीक मार्केट गिरा है, जिसने भी खरीदा हो वो लॉस में नहीं हुआ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई कॉल ले जाता है, कोई पुट, उसमें थोड़ा सा ये रहता है। देखो आप साइकोलॉजी समझो, 5 दिन मानो कोई लेके गया, 3 दिन उसका सही हो गया, 2 दिन गलत हो गया, फिर भी वो 50% लॉस में जाएगा। क्योंकि जब मार्केट गिरता है और आप अपोजिट में होते हो, तो वो चीज जो गिरती है ना वो बुरी तरह से गिरती है, और जो चीज बढ़ती है वो उस रेशो में बढ़ती नहीं है। तो थोड़े से दिन आप लोग अभी ये काम मत करो, खरीदने वाला या सेल करने वाला, उसमें आप घाटे में जाओगे, पोजिशन में मत रहो, इंट्राडे में कर लो काम। आपको पता ही लग गया है पूरा वीक बाई ऑन डिप्स था, नीचे गिरता था खरीद लो, शाम को मार्केट वहीं आ जाता है, मार्केट बंद होते टाइम 50-60% प्रॉफिट हो जाती है। ये मैं क्लियर जो वीडियो बनाता हूँ, 299 रुपीज जो आप देते हो, 1 महीने के 4 वीडियो मिलते हैं हर वीक को, अभी इसको भी सैटरडे संडे को वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो उससे आपको एक मार्केट की दशा, कौन से दिन कैसा रहेगा क्या रहेगा, वो तकरीबन मिल जाती है, ठीक है। अमेरिका अगर हमारा साथ देता तो हम लोग काफी ऊपर पहुंच चुके होते। चलो ये हो गई कहानी, ये एस्ट्रो स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छा टाइम है। मैं फिर बोल रहा हूं, एस्ट्रो प्रीमियम ग्रुप है, जो आदमी ऑप्शन में काम कर सकते हैं करते हैं वो जुड़ सकते हैं। कुंडली आप दिखा सकते हो जिस आदमी को लॉस होता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अभी शुरू होने वाला है, जिसको ज्वाइन करना है कर सकते हो, ठीक है। तो आज का यही था। अब मैं आपको एक आज के लिए एक बढ़िया बात बताता हूँ। बढ़िया बात यह है, देखो मेरे पास फोन आते हैं, गुरुजी मैंने 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 5 लाख इतने रुपया लॉस कर दिए पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 15 साल में, अब मैं क्या करूं। मैं आपको मेरी बात बुरी लगेगी, मैं भी किसी जमाने में 30-40 लाख रुपया जब लॉस किया था मान लो, तो वो कवर हो गया क्या? देखो जो हमारी साइकोलॉजी होती है मार्केट के प्रति, वो थोड़ी आदमी की चेंज हो जाएगी। भाई मैं आपको ये पूछ रहा कि आपके 1 लाख रुपए चले गए 2 साल में मान लो मार्केट में, क्या आपने कोई साइकोलॉजी चेंज की? नहीं। फिर क्या, कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप दोबारा पैसा कमा लोगे मार्केट से? भाई रीजन बताओ ना, 4 चले गए तो उस पर सब्र कर लो, छोड़ दो मार्केट को, जो पैसा है उसको शेयरों में लगा दो, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कम से कम वो आ तो जाएगा पैसा। अब लोग वो भी नहीं करना है, फिर बताओ कौन सा मंत्र है कि जो पैसा वापस आ जाए? कोई मंत्र नहीं है किसी के पास दुनिया में, ना मेरे पास है ना किसी और के पास है। जो आपने हाँ इसमें तुक्का ही लगता है, या फिर मार्केट जब डायरेक्शनल हो जाएगा, सही हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, उस टाइम पैसा लगाओ कुछ पैसा।
आपका रिकवर होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आपको रिकवरी की जिसको जितनी जल्दी होगी वो उतना ही लॉस ज्यादा और करेगा। तो मेरी बात को आप अच्छे से समझ लो, जिस आदमी के पैसा चले गए उस पर सब्र करो, ऐसा सोचो कि भगवान ने वो पैसा जो हमारा लिया अच्छे के लिए लिया, हमें बाद में लौटाएगा और वो आएगा, वो किसी चाहे दूसरे माध्यम से आ जाए आपको पैसा, ये मेरी गारंटी है आपको, आएगा वो आपके जीवन में ही आएगा। या हो सकता है कि प्रारब्ध में कोई हमने गलत काम किए हो, हम किसी का पैसा मार लिया हो, वो पैसा भी चला गया, भाई कुछ न कुछ तो हुआ है ना, जब ही तो पैसा गया है ना वो, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।